खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ महकमों की तरह सरकारी गाड़ियां एक्साइज की नादाहिंदा निकली हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की 56 गाड़ियां टोकन टैक्स की नादाहिंदा हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 80 महकमे सेहत की 52 गाड़ियां टोकन टैक्स नादाहिंदा निकली हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जीशान मलिक से। जीशान मलिक, बताइएगा कितनी गाड़ियाँ हैं जो नादाहिंदा निकली हैं? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्य महकमों की सरकारी गाड़ियां जो टोकन टैक्स नादहिंदा हैं, इस हवाले से महकमा एक्साइज सरकारी गाड़ियों से टोकन टैक्स वसूल करने में नाकाम है। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की कोई 55 गाड़ियां हैं जिनका टोकन टैक्स नहीं पे किया गया। इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 80 गाड़ियां हैं, महकमा सेहत की 50 गाड़ियां, डीजी रेस्क्यू ऑफिस की 100 के करीब तकरीबन गाड़ियां हैं, डीजी हेल्थ ऑफिस की कोई 65 गाड़ियां हैं। इस समय दीगर सरकारी महकमे हैं जिनकी सरकारी गाड़ियों का टोकन टैक्स कई अरसे से अदा नहीं किया गया और महकमा एक्साइज के मुताबिक इन तमाम गाड़ियों से कोई 1 करोड़ रुपए का टोकन टैक्स है जो वसूल किया जा सकता था, लेकिन एक्साइज की नाके से उंगली के बायस ये टोकन टैक्स वसूल नहीं किया गया और कई अरसे से ये सरकारी इदारे भी कॉपरेट तावन नहीं करे महकमा एक्साइज से और बर वक्त टैक्स की अदायगी नहीं हो रही, जिससे एक्साइज का रेवेन्यू मुतासर हो रहा है। जी ठीक है, आवाम को तो हदायत जारी की जाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, लेकिन अगर अपने इदारे की बात की जाए तो कोई भी ना तो कार्रवाई की जाती है ना ही कानून की उसकी हदायत पर अमल दरामद किया जाता है। जीशान मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।